नमस्कार दोस्तों, अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उस पर विजय प्राप्त करी थी और इसी दिन श्री रामचंद्र ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसलिए विजय दशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानन की हार। विजय दशमी को बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति की पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था तब भगवान श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार माँ दुर्गा की आराधना करी थी ताकि वह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन नील कमल के फूलों से किया जाना था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को 108 नील कमल लाने के लिए भेजा। भगवान राम की आज्ञा अनुसार हनुमान जी ने एक झील से यह नील कमल तोड़े और भगवान राम को पूजन के लिए ला दिए। श्री राम भगवान ने दुर्गा माँ की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करी और कहा, जब तक मैं यह पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हे देवी भगवती, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद भगवान श्री राम ने आदि शक्ति देवी भवानी की पूजा करना आरंभ किया। उधर रावण भी की प्राप्ति करने के लिए पूजा कर रहा था। श्री राम की पूजन सामग्री से नील कमल गायब कर दिया जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। उधर भगवान श्री राम ने माँ भगवती के 108 नामों का जाप शुरू कर दिया। प्रत्येक नाम के लिए वह एक नील कमल देवी को अर्पित करते थे। जब वह अंतिम नाम ब्रह्मवादिनी का जाप करने वाले थे तभी उन्होंने देखा कि नील कमल का फूल कम है। उन्होंने अपनी आँख तीर से निकाल कर माँ दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली क्योंकि भगवान श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। तभी माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई और बोली, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। उन्होंने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवी स्वयं भगवान श्री राम के अस्त्र शस्त्रों में विराजित हो गईं। दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां जा पहुंचे और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में बैठ गए और एक श्लोक जया देवी भूते हरणी में हरणी के स्थान पर करणी उच्चारित कर दिया। हरणी का अर्थ पीड़ा हरने वाली है और करणी का अर्थ पीड़ा देने वाली, जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाए। इसके बाद भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिनों तक उससे युद्ध किया। अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान राम ने माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की मदद से रावण का वध कर दिया और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजय दशमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। जय श्री राम।